हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंटिंग करना सिखाती हूँ। पेंटिंग, ड्राइंग नहीं। जिस बच्चे को ड्राइंग करने में, ड्राइंग का मतलब होता है पहले ड्रॉ करो उसके बाद उस पर कलर करो। जिस बच्चे को ड्राइंग करना नहीं आता है बट उसे कलर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कि आप बिना ड्राइंग बनाए भी कैसे कलरिंग कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, वो बताने वाली हूँ घर की चीज़ों से ही। तो देखिए, आप ले लीजिए अपना सीट, ले लीजिए वाइट कलर की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पोटैटो। आज मैं आपको पोटैटो से बता रही हूँ पेंटिंग करना। और कोई भी कलर, वाटर कलर चाहिए, कोई भी कलर, या वो एक्रिक कलर हो या फिर वाटर कलर हो। तो देखिए, मैं एक्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल मेरे पास यही है। तो देखिए, हम कुछ बनाना सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या बना पाते हैं। बस आज का वीडियो हमारे नन्हे मुन्नों के लिए है, वो घर पर बोर ना हो जाएं और अपना ड्राइंग पेंटिंग करके अपना टाइम पास करें। तो देखिए, मैंने पेंट ब्रश पर पेंट लगा लिया है और अब हम पोटैटो के ऊपर इस पेंट को फैला लेते हैं। आप चाहो तो किसी प्लेट में करके भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप से आपको फैलाना है। मैं इसके कॉर्नर बचा रही हूँ, आप चाहो तो पूरा कर लेना। और आप जब ये ड्राइंग बनने के बाद देखोगे तो सच में आपको यकीन नहीं होगा कि हमने किस चीज़ से बनाई है। तो चलिए, इसको हम छाप देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा है ऐसे, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपका कलर एक बार लगाने से नहीं आया है तो आप दोबारा कलर लगा लीजिए इस पर। ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कलर होता है वो हमारा कोई भी चीज़ जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दोबारा हमें उसे ज़रूर लगाना होता है। बड़े आराम से इसको लगाइए, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कुछ करने की। ये देखिए, एकदम अच्छे से छप गया है। दूसरी बार भी हम ऐसा ही करते हैं, इस पर दोबारा से अपना कलर लगा लेते हैं और इस बार हम इसको इस तरफ लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, बस कोशिश कीजिए। ये देखिए, इसको उठा लेते हैं हम आराम से। ऐसा ही मैं इस छोटे वाले पोटैटो से करूँगी, इससे हम इस चीज़ की गर्दन बनाएंगे जो भी हमने बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, अगर आपके पास छोटा पोटैटो नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पोटैटो का हाफ हिस्सा आप ऐसे अंदर की तरफ रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बन गया, ठीक है। दोबारा से देखिए, इस तरफ बताती हूँ। ये देखिए, इस बार इसकी हम ऐसे थोड़ा नीचे को रखेंगे। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा बॉडी पार्ट है और ये हमारी गर्दन है, ठीक है, दोनों का सेम ऐसे, ये बॉडी पार्ट है और ये गर्दन है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं कुछ रह गया है तो आप उसे ब्रश की हेल्प से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर अंदर करना है। आउटलाइन तो मिली गई है, ड्राइंग को बनाने की ज़रूरत नहीं है पूरी। तो ये देखिए, बस हम ऐसे कर देंगे तो ये जो छूट गया है पार्ट वो हमारा कवर हो जाएगा। और थोड़ा टाइम हमें इसे देना है कलर करने के, और सॉरी, सूखने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ और करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगेन मैंने वही पोटैटो लिया है और उसके ऊपर मैंने लगाया है ब्लू कलर, ठीक है। ये देखिए, ब्लू जो कलर है वो बहुत डार्क है, मैंने इस पर पानी मिला दिया है और अब हम इससे बनाएंगे अपनी स्काई। कोशिश करते हैं बनाने की, अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। स्काई कोई बिल्कुल एक शेप जैसी तो होती नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, एक बार और लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन सब के आउटलाइन कर दोगे मार्कर वगैरह से तो ये और भी अच्छे लगेंगे, अगर आउटलाइन नहीं करोगे तो भी ये वैसे भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, मैंने इसको हाफ रखा है, सॉरी आपको दिखा नहीं। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे बादल बन जाएंगे जिसको हम बोलते हैं। और देखिए, एक इस तरफ छाप लेते हैं। ये देखिए, हमारे बादल बन गए जिसे हम क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटा वाला लिया है अपना पोटैटो और अब हम इससे अपना बनाएंगे सन, ठीक है। सन जो होता है हमारा, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, तो हम आज अपने सन को बनाने वाले हैं ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ज़रा सा, बहुत ज़रा सा
आप इसमें येलो का टच दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने नन्हे मुन्ने को इनको दिखाना, नन्हे मुन्ने मतलब आप सब जाने गए होगे, समझ ही गए हो कि हमारे बच्चे, उन सबको दिखाना और उन सबसे ये एक्टिविटी करवाना। जब वो ये एक्टिविटी करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें बहुत मज़ा आएगा क्योंकि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में फ्रेंड्स इतनी आसानी से नहीं होती है, बच्चे हमारे नहीं कर पाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है उन्हें, बट वो सोचते हैं कि हम ड्राइंग करें, हमें ड्राइंग आए, हम दूसरों की तरह अच्छी ड्राइंग करें। तो आप एक स्टेप उनकी तरफ बढ़ा सकते हो, उन्हें समझा सकते हो, बेटा इससे शुरू करो। जब आप इससे शुरू करोगे तो आपको ड्राइंग ईजी लगने लगेगी, पेंटिंग आते ही ड्राइंग अपने आप आ जाएगी। तो बच्चे छोटे जब होते हैं सारे काम खुद नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी हेल्प की ज़रूरत सभी को पड़ती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करें। ड्राइंग करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता, किस टाइम क्या हो जाए और किस टाइम हम कहाँ पहुँच जाए, आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ अपनी ड्राइंग की तरफ देख रही हूँ, कैमरे की तरफ मैंने देखा ही नहीं कि आपको सब कुछ दिख रहा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बेचारा हमारा सन बन गया है। ये देखिए, ये देखिए, मैं सोचती हूँ इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, कोई येल्लो का टच हम नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये मैं अपने किचन से लाई हूँ। वेस्ट प्याज है फ्रेंड्स, ये देखिए बैक साइड में दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, प्याज मैंने कुछ बनाया था तो उसका ये वेस्ट पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इससे लगाएंगे, कुछ इससे लगाएंगे। ठीक है, ट्री बनाने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे कलर लगा लिया है, ग्रीन कलर। और वाटर कलर से जब भी हम कुछ काम करते हैं फ्रेंड्स, तो हम बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, ज़मीन पर, बेड पर या टेबल पर नहीं बैठते हैं क्योंकि वो मैसी हो जाता है सब कुछ। तो देखिए, मैं ट्री बनाने वाली हूँ, तो जो हमारे लीव्स होते हैं ट्री के, वो कुछ बिल्कुल सेम से तो होते नहीं हैं, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ऐसे होते हैं। तो ये देखिए, मैं कुछ ऐसा ही ट्राई कर रही हूँ कि हमारे ये सब पत्ते बन जाएँ, क्योंकि जो हम ड्राइंग करते हैं, सॉरी पेंटिंग जो हम करते हैं, उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि सब कुछ क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन हम उसे दूर से देखें तो हमें समझ आता है कि हाँ ये वो चीज़ है। तो ये वही वाला है, ज़्यादा कलर और ज़्यादा ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस हमें मैटर समझ आना चाहिए कि हमने बनाया क्या है। तो देखिए, ऐसे बहुत सी जगह मैं यूँ कर लेती हूँ, कुछ आप इसको डार्क कलर से कर सकते हो, कुछ लाइट कलर से कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर पत्ते घने होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, आप सबने पेड़ तो देखा ही है। तो मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा है, इसमें पेंट लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे आपके सामने थोड़ा सा मैंने कर दिया है, बाकी मैं कर लेती हूँ। और जब तक हम इसको बनाएंगे, ये सारे जो हैं हमारे, ये सब भी सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इन सब पे अपना आगे का काम शुरू कर देंगे। तो देखिए, मैं इसे कर लेती हूँ पूरा। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है बस, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया है, अब हम अपना सबसे पहले वाले इस पर चलते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इसे बनाया था और ये इस टाइम सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो देखिए, हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं इसे, हम कुछ लुक देने के लिए। तो ये देखिए, ये हमने इसकी चोंच बनाई है बहुत धीरे से, बहुत आराम से, और यहाँ पर आप एक इसकी आई बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और छोटे छोटे से इसके लेग बना दीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये आखिर मैंने बनाया क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये सीधा खड़ा है और ये जो है ये थोड़ा नीचे झुका हुआ है, तो इसकी चोंच हमें यहाँ बनानी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, क्लियर दिख रहा होगा आपको, सेम इसके जैसा ही मैं बना देती हूँ, जैसा हमने ये बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब समझ आ रहा है ना कि हम बना क्या रहे हैं। हमें अपने बादल पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लाउड तो ऐसे ही होते हैं, तो थोड़ा सा काम हम अपने सन पर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम हम अपने सन पे कर लेते हैं, अपने सन की हम किरणें बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा सन कैसे है, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर ड्राइंग नहीं बना लेते, पेंटिंग नहीं कर लेते, हमें समझ नहीं आता आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये देखिए, आप वाटर कलर से भी कर सकते हो, आप स्केच से भी कर सकते हो, आप पेंसिल कलर से भी कर सकते हो, बट बेसिक जो है हमारा
वो हमें वाटर कलर से ही करना होगा, ये वाली जो हमने की है, और इसको फिनिशिंग आप किसी भी चीज़ से दे सकते हो। तो इसके बाद हम अपना अगेन नीचे आ जाते हैं कि हमारे चूज़े खा क्या रहे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घास बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा घास ऐसे करके बना देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि किसी ग्राउंड में है हमारे चूज़े वगैरह, पार्क वगैरह, ग्राउंड वगैरह। ऐसे छोटी छोटी सी लाइनें आप ड्रॉ कर दो तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे घास बना दिया है। अब हमारे चूज़े क्या खा रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ गेहूँ, चावल, कुछ दाने पड़े हैं जिसे हमारे चूज़े खाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। ये देखिए, किसी भी कलर से बना दीजिए आप, क्योंकि दाने तो बहुत से कलर के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दाने बना दिए हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो, इसमें मैं और ग्रीन कलर की भी बना देती हूँ, क्योंकि दाल वगैरह जो होती है हमारी, मूंग दाल वगैरह, वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप किसी भी तरह से बना सकते हो, किसी भी कलर से बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम अपने पेड़ की तरफ चलते हैं। तो आप पेंसिल कलर से भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, एक सिंपल सा पेड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखते जाइए, आप दो तीन ब्रांचेस भी बना सकते हो या बहुत सारी ब्रांच भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है और बहुत सिंपल सा बनाकर आपको दिखाया है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर अपना ब्राउन कलर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसके अंदर अपना ब्राउन कलर कर दूँगी, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और बच्चे को भी इंटरेस्ट आए कि हाँ आखिर हमने बनाया क्या। सॉरी, अब मैं नीचे का नहीं दिखा पाई आपको। तो देखिए, मैं इसी कलर से इसकी थोड़ी सी कलरिंग कर देती हूँ, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, अगर मेरे देखने वाले व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। बहुत ही लाइट हैंड से आपको इसको करना है, और या फिर आप इसे अपनी फिंगर से भी कर सकते हो। फिंगर पे आप कलर लगाइए और उसको यूं यूं रख दीजिए, तब भी ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, आपको समझ तो आ ही गया है कि मैं आखिर बना क्या रही हूँ, कैसे कलरिंग कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बना लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक इसका ये है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।